हेलो अरुण, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ठीक ठाक हैं। इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम टू धन की दुनिया। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब येट बट आर यू वेटिंग फॉर, गाइस सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड लेट मी नो कमेंट्स का आज का वीडियो आप लोगों का कैसा लगा। एंड टर्न द बेल आइकन ताकि न्यू वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन से हम मिलती रहे। आज तो भाई सुबह उठते जो है ना बाहर इतनी जो है ना बर्फ थी, इतनी ठंड और फ्रीजिंग है ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। और सारा बींग सारा उसको जो है अपनी उसे बर्फ में मस्तियां करनी है, तो सारा रहना है ना बहुत ही मजे का, यहाँ पे बर्फ फेंकी थी, मजा आ गया। एनीवेज तो उसके बाद जो है आज क्योंकि कल सारा की सालगिरह थी, तो सारा की जो बेस्ट बेस्ट बेस्टेस्ट जो फ्रेंड है उसके पेरेंट्स ने जो है हम लोगों को जो है आज घर पे बुलाया हुआ था। तो क्योंकि मैंने कल कोई केक नहीं काटा था, कोई सेलिब्रेट नहीं किया था, तो हम लोगों ने, मैंने और यही ने जो है अपनी तरह से केक ऑर्डर कर दिया था, उसका फेवरेट केक। हम लोग जो है फिर वहाँ गए हैं और वहाँ जाके फिर देखा उन्होंने इतनी क्यूट सी डेकोरेशन सारा के लिए की हुई थी, इतना क्यूट सा सारा का वेलकम किया। और वहाँ पे जो है सारा के इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से जो है ना तोहफे थे। और क्योंकि वो सारा और उसको जो है उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो दोनों एक बहनों की तरह एकदम और बेस्ट फ्रेंड्स हैं एकदम, तो उन्होंने जो है कुछ नैनी के ड्रेस लिया था, सारा के लिए नया ड्रेस था जो कि उन दोनों का सेम टू सेम था, और बहुत क्यूट से गिफ्ट दिए। और फिर उसके बाद जो हमने वहाँ पे जो है केक काटा, और वहाँ पे जब मैंने जो है ना सारा के लिए सरप्राइज रखा हुआ था कि केक क्या होगा, उसको जो है ना रोबलॉक्स केक चाहिए था, तो मुझे पहले से पता था, तो वो इसलिए मैं ना उसको आंखें बंद करके जो है मैं उसको लेके गई हूँ वहाँ पे। और उसने फिर जब केक देखा ना, मैं क्या ही बताऊँ उसके, तो शी वॉज लाइक शी वॉज लविंग इट लविंग इट लविंग इट। उसके उसका फेवरेट आप कह सकते हैं कि वो केक जो था ना एग्जैक्टली वही था जो उसको चाहिए था। और उसने मुझे बताया नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे बस पता था कि उसको चाहिए। भाई माँ हूँ, मुझे माँ को नहीं पता होगा तो कैसे पता होगा। फिर हमने जो है वहाँ पर उनके साथ जो है उस सारा का जो है बर्थडे जो है सेलिब्रेट किया, छोटा सा मिनी सेलिब्रेशन था, तो सारा जो है बहुत ही खुश हो गई माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्लीज गाइस माशाल्लाह जरूर कहिएगा। और मैं अब आ चुकी हूँ घर, और घर आके जो है अभी मुझे पैकिंग करनी है, और अब इंशाल्लाह मैं पैकिंग करूंगी। मैंने कल का बिग बॉस का रिव्यू नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और आज भी मैंने अभी तक बिग बॉस देखा नहीं। रिव्यू पता नहीं कर पाती कि नहीं कर पाती क्योंकि टाइम मिल पाता, तबीयत आज बेहतर है मेरी, लेकिन टाइम मुझे रिव्यू का मिल पाता है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस के एपिसोड के फौरन बाद अगर रिव्यू किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहता है क्योंकि लोग देखते हैं। तो सुबह को रिव्यू करना जो है, यानी कि एक रात बाद जो है रिव्यू करना, मेरे ख्याल से थोड़ा लेट हो जाता है, बट लेट्स सी। अभी फिलहाल मैं लगाऊंगी बिग बॉस और मैं करूंगी पैकिंग। याहिया मेरे साथ वापस घर नहीं है क्योंकि वहां पे जो है फुटबॉल चल रही है वहां पे, क्योंकि स्क्रीन बढ़िया, हम लोगों का टीवी छोटा है, याहिया लैपटॉप में देखता है वरना घर पे, या फोन में देखता है, तो वहां पे जो है ना उसको फुटबॉल देखने को मिल गया है, तो वहां पे जो है फुटबॉल देख रहा है। उस वक्त जो है ना 8:30 मेरे ख्याल से हो रहे हैं, और याहिया जो है ना 10:30 बजे तक ही जो है घर आएगा, तो ऑब्वियसली वो फिर उसको ड्रॉप कर देंगे। लेकिन मैं घर आ गई हूँ क्योंकि मैं एटलीस्ट पैकिंग तो शुरू करूँ, क्योंकि अब 2 दिन भी नहीं रह गए। आज सैटरडे है, संडे या मंडे आफ्टरनून हम लोगों को निकलना है, तो मेरे पास 1.5 दिन है, 2 दिन भी नहीं 1.5 दिन है, और कल का दिन भी थोड़ा बिजी जाने वाला है, तो इसलिए जो है ना अब मैं पैकिंग करने लगी हूँ। ऐसे आई हेट पैकिंग एंड आई हेट अनपैकिंग। वैसे तो मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड पैकर हूँ और बढ़िया ऑर्गेनाइज के साथ जो है पैकिंग करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आई हैव टू लव इट, आई हेट इट, आई जस्ट हेट इट। काश कोई होता जो मेरे लिए पैकिंग कर देता और अनपैक भी करता, लेकिन ऐसा कोई नहीं है, मुझे ही करना पड़ेगा, तो लेट्स डू इट। इस वक्त ना 10:30 हो रहे हैं और अभी मैंने सिर्फ कपड़े निकाले हैं, बैग में रखे नहीं, अभी सारा के निकालने बाकी हैं। तो अब याहिया जी आ गए ना, तो बाकी ये मेरे साथ हेल्प करवाएंगे इन बैग्स में रखने के लिए, क्यों जानी, यू विल हेल्प मी नाउ टू पुट इन द बैग्स। या पैकिंग कंप्लीट होगी, एक बैग ये है, एक बैग वो रखा है वो वहां पे, और एक ये हैंड बैग होगा, एंड दैट इज इट। अब बस ये जो रूम है ना ये साफ करना रहेगा, एंड वी आर डन फॉर द डे फाइनली। तो रूम क्लीन हो गया, और इस वक्त रात का जो है ना 2:45 हो रहा, ऑलमोस्ट 2 बजने वाला है, और अभी मुझे ये वीडियो भी एडिट करना है, और फिर सुबह कल मेरा ऑलमोस्ट पूरा दिन बाहर गुजरना है, लास्ट थिंग्स टू डू फॉर बिफोर वी गो स्टार्ट द ट्रिप। सो
इट्स एग्जॉस्टिंग एंड आई एम टायर्ड, बट फाइनली पैकिंग हो गई है। बट वो जो एक लास्ट टचअप होता है ना, जो आखिरी की चीज़ें रखने के लिए रह जाते हैं जो कि आप पहले से नहीं रख सकते, जैसे टूथब्रशेज हो गए या हेयर ब्रश हो गया या कुछ क्रीम श्रीम हो गई, इस तरह की चीज़ें जो भी होता है, जो हैंड बैग्स में चीज़ें जानी होती हैं, ये सब चीज़ें बस वो रह गया है और वो तो मंडे को ही होगा। हाँ, एनीवेज इस वीडियो को जो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और आप लोगों को मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बहुत थक चुकी हूँ, आप देख ही सकते हो नींद भी बहुत आ रही है, लेकिन अभी मैं नहीं सो सकती क्योंकि वीडियो एडिट करनी है। आज मैंने कोई बिग बॉस का रिव्यू नहीं किया, वो भी वीडियो गई आज की भी गई, पिछले दो दिन से नहीं हो रहा है। एनीवेज तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ, टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द निकी दुनिया। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव टू वर्क ऑन योर पॉजिटिव, बिकॉज़ लेट्स पॉजिटिविटी टुगेदर। अल्लाह हाफिज़।